प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम अजय नेगी है, मैं हिमाचल से हूँ। मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोच हूँ और मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। 2016 में मुझे रनिंग करते हुए मेरे पेल्विस बोन में इंजरी हो गई थी, तो मैं रनिंग नहीं करवा था, मैं सही से चल नहीं पा रहा था, मैं ऐसे स्ट्रेचिंग नहीं कर पाता था, ऐसे बहुत पेन होता था। तो ये पेन 2023 में ज़्यादा बढ़ा और अपना वर्कआउट में पूरा एफर्ट नहीं दे पा रहा था जितना मैं एफर्ट दे सकता हूँ वर्कआउट में, और मुझे पेन में भी एक्सरसाइज करवाना पड़ता था। कोचिंग के अलावा वैसे बच्चों को ट्रेनिंग देना, इसके अलावा मेरे कमाई का कोई और साधन नहीं था, तो मुझे चाहे कितना पेन हो चाहे दर्द ज़्यादा है तो मैं वर्कआउट करवाने जाता ही था बच्चों को। और 2024 मई में मेरे को सुसाइडल थॉट आने लगे, मेरा बिजनेस सब खराब हो गया, और मैं जब बेड पर लेटा हूँ फिर कभी उठ रहा हूँ तो रो रहा हूँ, फिर लेट रहा हूँ फिर उठ के रो रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और एक दिन मैं बेड पे था और अपोस्टल अंकित का मेरे को रील मिला, दीर्घायु का वाचा, और मुझे उस रील को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चर्च में जाना है। और 26 मई को मैं FOLG चर्च में आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मुझे वचन, सबसे ज़्यादा वचन का प्रकाशन मिला कि कैसे घोषणा करते हैं, कैसे वचन को पकड़े रहना है, कैसे उस पर बने रहना है, कैसे उस पर मनन करना है। अपोस्टल अंकित जी जो बताते हैं कि अपने अधिकार लो, आप पुत्र हो, आप राजा के संतान हो, वो जैसे जैसे वो बोलते थे मैं वैसे वैसे करते गया और मैं अपने जीवन में इसको लागू करता रहा। और 7 जुलाई को मैं अपने डायरी में सुबह लिख के आया कि आज मेरा दिन है, आज परमेश्वर मेरे से बात करेंगे, और उस दिन परमेश्वर ने मेरे से बात किया, अपोस्टल अंकित ने मेरा नाम लेके बोला, अजय अजय अपनी चंगाई रिसीव करो, अजय अपनी चंगाई को ग्रहण करो, अजय रिसीव योर हीलिंग नाउ यीशु मसीह के नाम। तो मेरा ध्यान नहीं था, मैं इधर उधर देख रहा था कि कौन अजय है, मैं हूँ या नहीं हूँ, मैंने ये सोच लिया कि मैं ही हूँ। मैंने उसको रिसीव किया और मैंने जैसे रिसीव किया मेरे को चेस्ट में कुछ दबाव सा महसूस हुआ और मेरा जो पैर था 99% ठीक हुआ उस टाइम, जो मेरा 1% दर्द रह गया था। तो मैं जब भी एक्सरसाइज करते रनिंग करते मुझे पेन होता तो मैं वचन की घोषणा करता था, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं बोला नहीं, मैं उसको ऐसे दिखाता था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा पैर ठीक हो गया। 7 जुलाई के बाद मेरे पूरे स्पिरिचुअल लाइफ हर एक चीज़ चेंज होगी। और जब मैं चर्च से यहाँ से गया तो मैं यही बोल के जा रहा था कि अगला संडे मेरा है और अगले संडे मेरा पैर जो 1% बचा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर से मैंने अपने नोटबुक में लिखा कि आज मेरा दिन है, आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा मेरे से बात करेंगे। और फिर से 14 जुलाई को अपोस्टल अंकित ने मेरा नाम लिया, अजय अजय अपनी चंगाई रिसीव करो, अजय अजय अपनी चंगाई ग्रहण करो, इस समय अजय अजय अपनी चंगाई को लो, अजय परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है सर से लेकर पांव तक। जैसे ही मैंने चंगाई रिसीव की मेरे बॉडी मतलब कुछ हल्का सा शेक हुआ और फिर जो मेरे पैर है एकदम फूल की तरह हल्का हो गया और मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन मैं FOLG चर्च एक बार के लिए आया था कि मैं एक बार जाऊंगा FOLG चर्च, और जब मैं FOLG चर्च फर्स्ट टाइम आया 26 मई को, उसके बाद FOLG चर्च आने के बाद जो वचन सुनने के बाद मेरा जो हृदय वो चेंज हुआ कि मुझे ये चर्च में जाना ही है। और मुझे FOLG आके 2 महीने हो रहे और 2 महीने में परमेश्वर ने मेरे क्लासेस जो मैं ट्रेनिंग मतलब इतना आगे पहुँचा दिया कि मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरे सुसाइडल थॉट चले गए, कब मेरे फाइनेंशियल स्टेबल हो गया, हर एक चीज़ जो मेरे से जो मेरा टूटा हुआ हर चीज़ था वापस आ गया। मैं बचपन से मतलब सोचता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करते, आज मुझे इतना प्यार मिला है FOLG चर्च ज्वाइन करके, पिता का प्रेम पाया, एक अच्छी फैमिली पाई, मैं आज बहुत खुश हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और आज जो अजय है मतलब पहले से बिल्कुल चेंज हो रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे 8 साल से पेल्विस बोन में परेशानी थी वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं रनिंग कर पाता हूँ, अपने एक्सरसाइज अच्छे से करवा पाता हूँ, जो मुझे स्प्रिंट करना होता है रनिंग एक्सरसाइज करने में वो एकदम जोश के साथ कर पाता हूँ। मैं बहुत टूटा हुआ था, मैं अपने को ऐसा सोचता था कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब सब कुछ ख़त्म है। वो जो रील्स मुझे मिला उस रील्स ने मेरी मतलब पूरी लाइफ चेंज कर दी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और अपोस्टल अंकित का भी बहुत बहुत धन्यवाद